अयोध्या में जब से रामायण के आधार पर बनाया गया आदि पुरुष फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, सिर्फ 1.5 मिनट का टीजर में पूरा रामायण को बदल दिया। राम लक्ष्मण हनुमान से लेकर रावण तक का लुक बदल दिया। आपका भाई मन में बहुत सारा सवाल होगा, शायद आपने भी यूट्यूब में आदि पुरुष फिल्म का टीजर देखे होंगे। आपका मन में भी बहुत सारा सवाल होगा, राम का मूछ दाढ़ी की हुआ, राम क्यों चप्पल पहना हुआ है, हनुमान के लेदर बेल्ट की जैकेट क्यों है, रावण का हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। आदि पुरुष फिल्म का डायरेक्टर ओम राउत जी, उनका एक इंटरव्यू देखेंगे जो उन्होंने इंडिया टीवी पर दिया है आदि पुरुष फिल्म का टीजर को लेकर। आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आज देखेंगे कैसे बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर अपनी गलती को छुपाने के लिए पूरा संस्कृति को ही बदल देते हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए पूरा रामायण को ही बदल देते हैं। कि वो जो लुक आपने दिया है, जो हेयर स्टाइल दी है या फिर जो दाढ़ी दी है, उसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि वो लगता नहीं है कि वो हिंदू धर्म के किसी कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। हम अगर जैसे मनोज जी ने कहा कि वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का एक क्रूर किरदार है, असुर जी, असुर है, करेक्ट। अगर ये दुष्ट प्रवृत्ति का क्रूर है तो ये क्रूरता जब हमने दूरदर्शन पे रामानंद सागर सर की जो रामायण में देखी थी सालों पहले, तब उनको बड़ी बड़ी मूछें थी, वो एक क्रूर दिखाई दे रहा था। आज वो क्रूरता अगर मुझे बच्चों को दिखानी है, नेक्स्ट जनरेशन को दिखानी है, अगर वो क्रूरता मुझे बच्चों को दिखानी है, अगर क्रूरता मुझे नेक्स्ट जनरेशन तक दिखानी है, तो क्रूरता का प्रतीक आज मुझे ऐसा दिखता है। तो मेरा एक सवाल है ओम रावत जी से, बच्चों को रावण को क्रूर दिखाने के लिए कि रावण को मोहम्मद खलजी की तरह बना दीजिएगा, ऐसा तो संस्कृति का धज्जियां मत उड़ाइए। जैसा कि बाकी जो तमाम करेक्टर टीजर में दिखाई दिए हैं उनके गेटअप को लेकर, और ऐसा ही सवाल प्रभु श्री राम को लेकर भी खड़ा हो रहा है, कोई पादुका को लेकर सवाल कर रहा है, कोई मूछों को लेकर सवाल कर रहा है, कोई उनके पूरे गेटअप को लेकर सवाल कर रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में है, इसे कैसे आप दूर करेंगे कि चरण पादुका की जगह चप्पल क्यों आ गई या मूछें कैसे आ गई? ये लोगों के सवाल हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो लोगों का। मूछें क्यों आ गई भगवान श्री राम को? वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है और साफ साफ लिखा हुआ है, मैं उद्धृत भी कर दूंगा, मुझे इस वक्त मेरे पास वो है नहीं, लेकिन जो सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं वो मैं जानता हूँ बड़े पढ़े लिखे बड़े सुधी दर्शक हैं, वो इसीलिए ये चैनल देख रहे हैं, उनको भी पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है वाल्मीकि। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जैसे इंडिया टीवी की न्यूज एंकर ने मनोज जी को एक सवाल पूछा, राम के पैर में पादुका की जगह चप्पल कैसे आ गया और दाढ़ी मूंछें कैसे आ गई, लेकिन मनोज जी ने चप्पल के बारे में कुछ नहीं बताकर दाढ़ी मूंछें के बारे में बताया, और जो बताया वो भी गलत बताया। टीजर में हम देख रहे हैं वो बाहुबली राम नजर आते हैं, बाहुबली श्री राम नजर आते हैं, क्योंकि अभी तक भगवान श्री राम की जो छवि थी, जो इमेज मेरे मन में भी है और बचपन से जो हमने देखा, एक सौम्य सरल मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा भगवान श्री राम का नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन ये प्रभु श्री राम थोड़े गुस्से में, थोड़े एक वॉरियर के तौर पर नजर आते हैं। एक मिनट 35 सेकंड में ये जो जजमेंट हुआ है कि प्रभु श्री राम गुस्से में हैं, रो रहा है पुष्पक विमान और उसके विमान को लेकर, जो हम तस्वीरों में, हमने जो टीजर में देखा कि बड़े से विशाल काय क्रूर से पक्षी पर वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को यही कंफ्यूजन है कि पुष्पक विमान तो ऐसा नहीं था, नहीं, जो हमने देखा, जो हमने सुना, तो हमारा पवित्र वाहन है पुष्पक विमान, हमने कहां बोला है? हाँ। वो पवित्र वाहन है हमारा, यही कंफ्यूजन है, यही आपको दूर करना है। उसके लिए आपके लिए आप 90 सेकंड 95 सेकंड का आपने टीजर देखा हुआ है, आप फिल्म देखें, इतने शास्त्र लिख दिए जाएं तब भी हम उस अथाह समुद्र का एक अंश, एक बूंद उसकी पा नहीं सकते। तो ये तो हमसे बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ कि हमसे कहा जा रहा है कि आप भाई 35 सेकंड में पूरा राम दिखा दो, हम दिखा सकते हैं क्या? तो शस्त्र उठाते हैं और शस्त्र उठाने के बाद वो जो चेतना है, वो जो ऊर्जा है, वो उनके चेहरे पर भी दिखती है, वो उनके मुखमंडल पर भी दिखती है। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि वनवास के दिनों में भगवान राम के जो चेहरे के केश हैं मुखमंडल के, वो सब बढ़ गए थे, और इसी लेकिन यहाँ पर तो राम का चेहरे में मूछें दिख रहा है, चेहरे का केस कहाँ गया? राज्याभिषेक हुआ है तो राज्याभिषेक से पहले नाई बुला के उनके बाल और उनका मुखमंडल, उसके बाल कटाए गए हैं, केश कटाए गए हैं, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो मेनली देखिए इस इंडिया टीवी के इंटरव्यू में जो सवाल पूछा गया उस सवाल के जवाब ना दे के दूसरे सवाल के जवाब ज्यादा दे रहा है, यानी कि खुद इन लोगों को भी सही से नहीं पता चला ये रामायण के आधार पर फिल्म बनाने, ये लोग बच्चों को संस्कृति के आधार पर फिल्म नहीं बल्कि संस्कृति का धज्जिया उड़ाकर एटीएम मशीन बनाना चाहते हैं। लोग बता रहे हैं 1.5 मिनट में क्या समझोगे रामायण को, पूरा फिल्म देखो समझ में आएगा। तो आपका जानकारी के लिए बता दे कुछ तस्वीरें होता है जो हजारों बात कहता है, और यहाँ तो आपने 1.5 मिनट का टीजर दिखा दिया जो कि लाखों बात समझ में आ रहा है पब्लिक को, और आप बोल रहे मतलब पूरा फिल्म देखो तभी समझ में आएगा, और आपने फिल्म बनाने में जो 500 करोड़ लगाया है वो नुकसान होने से बच जाएगा।
आइडिया अच्छा है लेकिन चलेगा नहीं, बहुत सारे किए जाने वाले सवाल जो कि इनके पास भी नहीं है, दूसरे कुछ समझा के बचते फिर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।